सीधा स्नान कुंड पे, क्योंकि परिक्रमा करने से पहले हमें स्नान करना होता है। तो ये हमारे मंदिर का व्यू है, यहाँ से स्टार्टिंग है पूरे मंदिर की। तो बहुत अच्छा लगा मंदिर में आके, काफ़ी दिनों से सोच रही थी कब जाऊँ, तो फाइनली मैं चली गई तो बहुत अच्छा रहा। और जिसमें कि शनिदेव बाबा का बर्थडे भी था एक दिन पहले, और शनिवार को हम पहुंच गए। हम कुंड में नहा के निकल चुके हैं, मैं नहा रही हूँ फिलहाल में, और भीड़ काफ़ी है वैसे यहाँ पे, देख सकते हैं आप ज़्यादा भीड़ है। पीछे मेरी मम्मी है, अंधेरा इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा। शनिदेव महाराज की, सो यहाँ हम कर रहे हैं अभी एंट्री मैन गेट में। यहाँ से हम परिक्रमा देनी शुरू करेंगे अभी थोड़ा और आगे जाके, इतना मुझे पता है क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ, इतना मुझे नहीं पता। तो और आगे भीड़ रख देते हैं अभी फोन। अभी आधी परिक्रमा हम लगा चुके हैं, अभी वहाँ तक जाना है। सो अभी यहाँ पे मेरी मम्मी घर बनाने लगी हैं, ये देखो ये मेरी मम्मी घर बना रही है, और इनके बटे हुए राजा इनको ईंट दे रहे उठा के, ये खरे बंटी डी के पिटले राम पिट निकाले। तो ये परिक्रमा के बीच में कितने मंजिल बनाई पड़ती है, जहाँ पे मकान बनाए जाते हैं, जो कि आपको पता है बंटी की ईंट लेके लेते हुए। बाबा कृपा करे जल्दी से मकान बने इनका। गेट लग रहा है, गेट बंद है, बाबा जरूर सुने इनकी, जल्दी से इनका घर बन जाए। बढ़िया बढ़िया सा नहीं, छोटा सा भी दे दे तो भी होता है। जय बाबा की। मैं रोड़ी और बदरपुर डालना भूल गए, तो अब जा रहे हैं। हाँ बदरपुर रोड़ी लगा भाई। मैं अंधेरे में दिखाई थोड़ा कम दे रहा है, लाइट थोड़ी कम है यहाँ पे। तो हम अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं, ठीक है, मिलते हैं आपसे। मेरी मम्मी और भाई माय हस्बैंड चारा खिला के निकल चुके हैं बाहर गौ माता के। ये लाडो खड़ी खड़ी वेट कर रही है। लाडो क्या कर ले, गौ माता लाडो कह रही दान पात्र में पैसे डालने, पैसे दे दो। चलो बेटा भी और भी डालेंगे। अब फिलहाल में हम परिक्रमा पूरी कर रहे हैं, और देख सकते हो आप दिन निकलने वाला है धीरे धीरे, दिख रहा होगा आपको चांदना ब्लू हो रहा है आसमान ब्लैक से। और अभी हम जा रहे हैं जय शनिदेव महाराज की, जय श्री शनिदेव महाराज की, जय श्री शनिदेव महाराज। इधर मंदिर बने हुए हैं, ये पूरा धाम उधर का, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। माई हस्बैंड माई लाडो नीचे है, और फैमिली वाले बंदे आगे हो गए, हम आगे चलते हैं। लाडो टंगी बंदरी, लाडो मंकी है तू, तो इधर मंकी है, ये मंकी मेरी कमर पे बैठ गया है। लाडो सो फाइनली हम सनी धाम पहुँच चुके हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है, अभी हम बाबा के मंदिर में जा रहे हैं। तो बस चले, जय श्री देव महाराज, जय श्री। तो अब हम मंदिर में पहुँच चुके हैं। मंदिर में जाने से पहले एक पूजा की जाती है, जो कि पंडित करवाते हैं अपनी पूरी विधि विधान से। तो अभी पंडित जी पूजा कराएंगे, और फिर हम बाबा के दर्शन करेंगे। तो फाइनली मैं पहुंच गई थी मंदिर में, और बाबा के दर्शन भी मैंने कर लिए, काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए। तो जय बाबा की, मेर कर। अभी मैं आपको सनिदेव बाबा के दर्शन कराऊंगी, बस पहुंचने वाले हैं हम बाबा के पास में। जय शनिदेव महाराज की। तो जो भी भक्त आज तक कोकिलावन धाम नहीं आ पाए हैं, तो बाबा के दर्शन कर सकते हैं आप। ये मंदिर काफी सिद्ध और काफी पुराना मंदिर है, जहां आके बाबा सबकी मन की इच्छा जरूर पूरी करते हैं। तो जय शनिदेव महाराज की।
तो यहाँ पे अभी मेरी मम्मी है, भाई है, मेरे हस्बैंड है, तो काफी अच्छे दर्शन हुए हमारे बहुत आराम से। ये मेरा भाई है, यहाँ पे ये दिए जलाए जाते हैं मंदिर से थोड़ा बाहर निकल के। ये राधा कृष्ण का मंदिर है यहाँ पे, और अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए, तो अब हम घर जाएंगे। मेरी मम्मी है येलो शूट में, ऊपर से पीछे से जो आ रहे हैं वो है मेरे हस्बैंड। हम कर चुके हैं पूजा पूरी, अब हम रहे हैं घर के लिए। जय शनिदेव महाराज, मेरी इच्छा पूरी हो गई। काफ़ी दिनों से मैं आना चाहती थी मंदिर में, और फाइनली मैं आ गई, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो उतर जाते हैं नीचे। जय बाबा, जय शनिदेव। अब तक का सबसे बड़ा टूल टैक्स लाइन देखी है मैंने। देख लो कितनी सारी लाइन है, देखिए किस किस में, ये बताओ। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी थी साइन, एक साथ कितनी सारी गाड़ी लगेगी। या वहाँ फास्ट टैक्स लीजिए भाई का। वैसे टूल टैक्स की लाइन काफी बड़ी थी, पर पता चला कि वो फ्री था। यहाँ कोई बैलेंस नहीं लगा, बच गए पैसे। फ्री कर रखा है, अभी नया नया बना शायद, इसलिए।